नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू डिटॉक्सिफाई अवर बॉडी, मतलब शरीर में जमा गंदगी को हम कैसे बाहर निकालें। सबसे पहले बात करते हैं कि डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत क्यों है। आज की इस मॉडर्न लाइफ में पॉल्यूशन दिन ब दिन बढ़ रहा है और यही पॉल्यूटेड एयर हम इनहेल करते हैं, और इस फास्ट गोइंग लाइफ में हम फास्ट फूड, फ्राइड फूड, प्रोसेस्ड फूड, पैकेज्ड फूड रेगुलर बेसिस पर खाते हैं, और जो फूड हमें डायरेक्टली नेचर से नहीं मिलते उन्हें हमारी बॉडी को डाइजेस्ट करना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग और डिफ़िकल्ट है। और डाइजेशन के प्रोसेस के दौरान खाने का कुछ अनडाइजेस्टेड पार्ट आंतों में जमने लगता है, और जब धीरे धीरे यही टॉक्सिक वेस्ट ब्लड के थ्रू बाकी ऑर्गन्स तक पहुंचता है तो गंभीर बीमारियों का रूप ले लेता है। जैसे अगर ये विंड पाइप को ब्लॉक करे तो अस्थमा, अगर आंतों में जाकर चिपके तो कॉन्स्टिपेशन, अगर स्किन की लेयर पर आए तो एक्ने, और अगर किडनीज में जाकर जमा हो जाए तो स्टोन जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। चलिए अपार्ट फ्रॉम दिस अब बात करते हैं कि शरीर से इस गंदगी को बाहर कैसे निकालें। तो सबसे पहले हमें अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए गर्म पानी के साथ। जी हाँ दोस्तों, रोज सुबह हमें बिफोर ब्रशिंग आवर टीथ करीब 3 से 4 ग्लास गर्म पानी पीना चाहिए। शुरू में शायद 3 से 4 ग्लास पानी आपकी बॉडी ना ले पाए, तो शुरुआत करें 1 ग्लास के साथ और धीरे धीरे उसे बढ़ाएं। गर्म पानी हमें सुबह इसलिए पीना चाहिए ताकि जो सलाइवा हमारे मुंह में है वो हमारी बॉडी के अंदर जा सके। एज वी नो, सलाइवा हेल्प्स इन न्यूट्रलाइजिंग द स्टमक एसिड, बिकॉज सलाइवा इज बेसिक इन नेचर, और इसीलिए ये हमारे डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। यह एक हेल्दी मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में मेंटेन करता है, जो वजन घटाने में भी हमारी काफ़ी हेल्प करता है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं ऑयल पुलिंग की। इसे करने के लिए आप 2 से 3 चम्मच तेल अपने मुंह में डालें। इसके लिए आप नारियल का तेल, सरसों का तेल, तिल का तेल या कोई भी कच्चे घने तेल का उपयोग कर सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार तिल या नारियल का तेल बेस्ट है। इस तेल को 5 से 15 मिनट कम से कम मुंह में घुमाएं। थोड़ा ज़्यादा टाइम है बट इट्स ओके। ऑयल पुलिंग करते समय हम अपना कोई भी दिनचर्या का काम कर सकते हैं, जैसे न्यूज़पेपर या मैगजीन पढ़ सकते हैं, अपना ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, और एंड में इस ऑयल को बाहर फेंक देना है। अब आप सोच रहे होंगे हाउ इट इज़ पॉसिबल कि हम ऑयल पुलिंग से बॉडी में जमा वेस्ट को बाहर निकाल सकते हैं। तो सिंपल सा लॉजिक है, ऑयल में पानी कभी भी मिक्स नहीं होता, लेकिन ऑयल में ऑयल इजीली मिक्स हो जाता है। और दोस्तों, हमारी बॉडी में जो वेस्ट बैक्टीरिया है वो भी लिपिड्स के फॉर्म में जमा होते हैं, और ये ऑयल उस वेस्ट के लिए एक मैग्नेट के जैसे काम करता है और सारे विषैले पदार्थों को अपने साथ चिपका लेता है। सबसे अच्छी बात यह है, ऑयल पुलिंग ना केवल मुंह के बल्कि सभी ऑर्गन्स के वेस्ट को बाहर निकालता है, क्योंकि हमारी जो टंग है वो किडनीज, हार्ट, लंग्स, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्पाइन सबके साथ वेंस के थ्रू कनेक्टेड है। आप सबने ऑब्जर्व किया होगा, जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है अपनी टंग बाहर निकालिए। ऐसा इसलिए क्योंकि मुंह ही हमारी बॉडी को इंटरनली रिफ्लेक्ट करता है। आयुर्वेद में ऑयल पुलिंग को गंठुष क्रिया के नाम से जाना जाता है, और इसे करने के हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे ये हमारे मुंह के बैक्टीरियाज को ख़त्म करता है, बैड ब्रीथ को रोकता है, कैविटीज़ को प्रिवेंट करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, इट इम्प्रूव्स गम हेल्थ, और ये डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस हैं कि एक्ने, अर्थराइटिस, अस्थमा, इंसोमिया, PCOD, माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम में भी ऑयल पुलिंग करने से सॉल्व होती हैं। अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए नेक्स्ट हम बात करते हैं योगा की। आयुर्वेद के अनुसार योगा फोकसेस ऑन द स्ट्रेचिंग एंड कंप्रेशिंग एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, और इसलिए ज़्यादा बेटर है वेस्ट को रिमूव करने के लिए। अगर एक योग दिनचर्या अच्छी तरह से की जाए तो बॉडी की स्ट्रेचिंग प्रॉपर होती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड, लिम्फेटिक फ्लूइड को बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे हम किसी भी और वर्कआउट की हेल्प से नहीं कर पाते। योग न केवल अपने शरीर को फिजिकली डिटॉक्स करता है बल्कि बॉडी को मेंटली भी डिटॉक्स करता है, जिससे फेयर, स्ट्रेस, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती हैं। तो चलिए बात करते हैं
कुछ पर्टिकुलर योगासंस की जो हमारी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन में हमारी हेल्प करते हैं। सबसे पहले गरुड़ आसन यानी ईगल पोज। इस आसन की मदद से हमारा ब्लड सर्कुलेशन एनहांस होता है और ये लिम्फ और ब्लड में से टॉक्सिन्स को रिमूव करता है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं अधोमुखा सुआसन यानी डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोज। इस आसन में अपना दिल अपने सर से ऊंचा रहता है जिससे एक रिवर्स पुल ऑफ ग्रेविटी क्रिएट होता है जो ना केवल लिम्फ और ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करता है बल्कि एब्डोमेन को भी टोन्ड और स्टिमुलेटेड रखता है जिससे डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है। तीसरे नंबर पर अर्धमत्यंतरा आसन हाफ स्पाइनल ट्विस्ट पोज। दिस आसन इज परफेक्ट ट्विस्ट। इसमें किडनीज लीवर और एब्डोमेन आर स्क्वीज्ड एंड स्टिमुलेटेड। ये डाइजेशन को भी उत्तेजित करता है और बॉडी से इम्प्योरिटीज को रिमूव करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट बात करते हैं सर्वांग आसन की यानी शोल्डर स्टैंड। इस आसन में शरीर का वजन अपने शोल्डर्स पर रहता है सो इट हेल्प्स टू ड्रेन आउट द एक्यूमुलेशन ऑफ लिम्फेटिक फ्लूइड्स। इस आसन को अपने योगा सेशन के एंड में करें तो ज़्यादा बेटर है सो दैट ऑल टॉक्सिन्स दैट आर रिलीज्ड आर फ्लश्ड टू हार्ट ताकि उन्हें साफ किया जा सके और ऑक्सीजनेट किया जा सके। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रीदिंग प्रोसेस की। तो योगा ब्रीदिंग प्रोसेस में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पुअर सिटिंग और ज़्यादा स्ट्रेस के कारण आर लंग्स डोंट फंक्शन टू देयर फुल कैपेसिटी। मीन्स जितना ऑक्सीजन ह्यूमन बॉडी को चाहिए उतना नहीं ले पाते और पॉसिबली जितना कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करना चाहिए वो भी नहीं कर पाते। अपने ब्रीदिंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए हमें रोज सुबह 15 से 20 मिनट अनुलोम विलोम का अभ्यास करना चाहिए। अनुलोम विलोम अपने शरीर और मन दोनों को शुद्ध करने के लिए सबसे इफेक्टिव प्राणायाम है। ये वात पित्त और कफ को ठीक करता है। अनुलोम विलोम अपने जीवन बल को शुद्ध करने, संतुलित करने और अपने मन शरीर और आत्मा को स्वस्थ रखने में मदद करता है। मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल टू स्टे हेल्दी स्टे अपडेटेड विद अस। थैंक यू।